बहुत ही ज्यादा मजा आ गया है। और किया आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज है ईद उल अज़हा का दिन। और ईद उल अज़हा के दिन में क्या होता है वो आप सब मुसलमानों को पता है, सो बताने की जरूरत नहीं है। तैयार शहर हो चुका हूँ, सो चलते हैं अभी ईद की नमाज की तरफ, इससे पहले ईद की नमाज खत्म हो जाए। पर पीछे जो निशान है उसको इग्नोर करो, वो तो पता है आपको मेरे भाई के काम है, इग्नोर करो। हम सब मुसलमान पाकिस्तान की तरफ रवाना होते हैं ताकि उनके लिए दुआ कर सकें जो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत अता फरमाए और उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन लिखें। कुर्बानी वगैरह हो चुकी है और अब जो है हम अपने कंट्रोल शेड को देखने आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया नहीं देखा। तो ये तो जी ये पता नहीं कौन सा रूम है, पर आए तो अभी देख लेते हैं पता नहीं क्या है ये चीज़। कंट्रोल शेड में फुल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इतने बड़े बड़े ये क्या बोलते हैं इसको, वाटर टैंक लगे हुए हैं। ये रहे चूज़े प्यारे प्यारे से, अभी तक बहुत कम है पर ये भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 30,000 की क्वांटिटी है पर अभी भी कम लग रहे हैं। अगर बड़े हो जाएंगे ना तो चलने की जगह नहीं रहती। ये आए ये हमारा चूचू। कल का दिन हमने कंट्रोल शेड पेंट कर दिया था क्योंकि आगे कोई मज़ेदार सीन्स थे नहीं आपको दिखाने के लिए, आपको बोर नहीं कर सकता ना, सो इसी वजह से आज है एक का दूसरा दिन। सो आज के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि हम करेंगे बारबेक्यू अपने ऑफिस में, फार्म हाउस बोल सकते हैं उसको वहाँ पर। पर उससे पहले मम्मी को ड्रॉप करते हैं उनके ससुराल, वहाँ से मामू को पिक करते हैं, उसके बाद बारबेक्यू के सीन्स बनाते हैं। सो गाइस प्लान चेंज हो चुका है, बारबेक्यू हम आज नहीं कर रहे, हम ईद के तीसरे दिन मतलब कल करेंगे क्योंकि आज ना कोयले हैं हमारे पास ना ही शीखे हैं, तो बारबेक्यू का प्लान कैंसिल हो गया। आज हम जा रहे हैं घूमने, कहीं भी देखते हैं कोई जगह अच्छी मिल जाए तो वहाँ पर जाके घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। तो गाइस सारे सीन सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए क्योंकि जहाँ भी हम जाएँ अबर कहते हैं कि फैमिली इज़ अलाउ है, हम जैसे कहाँ जाएंगे यार। बस एक ही बात बोल सकता हूँ, दिस इज़ पाकिस्तान बेबे और कुछ नहीं। सो कल के दिन का इंतज़ार करते हैं, ईद के तीसरे दिन का, शायद कुछ ना कुछ बन जाए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो गाइस आज है ईद का तीसरा दिन और आज शायद कुछ ना कुछ हो जाए, कपड़े वही पहने हुए हैं मैंने जो कल पहने हुए थे। तो रात को आया था देर से, सो गया था, थका हुआ था बस, तो आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। सो वेट फॉर इट एंड कपड़े चेंज करके आऊँ, कल से वही कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े चेंज कर उसके बाद आप सुन। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और नमाज का टाइम भी हो चुका है, सो चल के नमाज़ पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आगे सीन्स करते हैं। तो गाइस बारबेक्यू का सीन बन चुका है, फार्म हाउस पर जाके बारबेक्यू करेंगे। अभी मैं साथ के घर आया हूँ, सो साथ का इंतज़ार करते हैं जब तक वो आ जाए। या आ गया, इसको याद किया और आ गया। वालेकुम अस्सलाम, अलहमदुलिल्लाह ज़बरदस्त। हलूँ वो बारबेक्यू सारा सिस्टम सेट है बारबेक्यू का, ये देख सकते हैं। बस अभी माचिस नहीं हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, तो माचिस जाके मार्च से लेके आते हैं। शीखों में जो है बूटियाँ चढ़ रही हैं और शीखों में बूटियाँ हम ये चढ़ा रहे हैं, तो नेगेटिव सोच वाले ये जो है ना ये खड़े हुए सारे, ये सारे नेगेटिव सोच वाले, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद जो है कोयले दिखा के हो जाओ, शाबाश। चलो 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 कोयले कोयले, ये हमारा मामू है। मुखे न शो करे पद रखे यार, गंद तो करे चाह न शो कर वरी मन चेन में गू न खा साई दे
हेलो इन्हें मैं करना जब बूटन में तो गाइस बारबेक्यू का सीन बिल्कुल ही ऑन है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा मामू मेहनत करते हुए, ये पसीने देखो उसके, मेरे पसीने देखो यार। ये भी व्लॉग में आना चाह रहे थे, तो ये है मेरा कजन छोटा, ये उससे छोटा कजन, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे से कजन है। और ये सीन ऑन है अभी, जब पक जाए उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। तो गाइस बैडमिंटन भी चल रही है यहाँ पर, बड़े मजे मजे हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखें इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। तो गाइस बारबेक्यू इज रेडी नाउ, यू कैन चेक, बड़े मजेदार, उफ उफ, ये सिनेमैटिक शॉट्स मजेदार। सो अभी खाने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कोई जो ये साथ भाई जो है हमारा घर लेके जाएगा, और इसका भी शायद ये भी घर लेके जाए। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया है। और किया मजा आया, आए